नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर। अनंत सिंह जेल में है, लेकिन उनके सहयोगी, उनके कर्मठ कार्यकर्ता बंटू सिंह लगातार उनके खिलाफ हो रही साजिशों का खुलासा कर रहे हैं। बंटू जी, आज क्या है आपके साजिश का खुलासा कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो हम बता दे रहे हैं कि जो है, जो जितना हम सबूत दिए अभी तक, इसमें क्या हुआ है नहीं हुआ है अब हम क्या बोले, आप लोग तो सब जानिए रहे हैं। टोटल चीज सबूत दे दिए हैं हम कि अभी तक ये लोग पुलिस सीडी खोज रहा है एफसेल जांच में भेजने के लिए। आज कितना दिन हो गया, 15-20 दिन हो गया, न किसी की कुर्की निकली, न किसी की जब्ती निकली, और विधायक जी के आदमी के साथ कैसे अन्याय करते गए। ये जो एएसपी लिपि सिंह उर्फ लिपापोती सिंह है, लिपापोती करना काम है इनका, इसीलिए विधायक जी के यहाँ नकली 47 मार रखवा के यह किया कि अपने रख के कि हमारा बहुत बढ़िया जगह पोस्टिंग होवे। यही साजिश था कि बढ़िया जगह पोस्टिंग के लिए। काहे नहीं कोई कर रहे हैं भाई, मेरा खोज रहे हैं बंटू सिंह का, कि कौन है बंटू सिंह कौन है सो पता लगा लीजिए। आप लोग डरने वाले नहीं हैं, आप अभी तक गार्ड नहीं दिए हैं कि हत्या हो जाए इनका। यही ये जो है नीरज कुमार उर्फ भौभौ सिंह, देखिए ये कितना बड़का साधु है। देखिए ये जो आदमी है, ये जो पंकज सिंह जिसके हाथ पर गलबहिया डाले हुए भौभौ सिंह रखे हुए हैं, ये आदमी पॉक्सो एक का मुजरिम है। ये एक कबड्डी, राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी की कुश्ती खिलाड़ी है, पंडारक की, उसी गांव की। उस लड़की के साथ इसने गलत काम किया, और ये आदमी चुनाव में खुलियाम घूम रहा है। अभी भी भोला सिंह और मुकेश सिंह को ख्यात अपराधी के साथ है, सारा कारोबार देख रहा है, ललन सिंह को सम्मानित कर रहा है। देखिए यहां पर, देखिए सब जगह मुकेश सिंह, देखिए जीप में है ये, देखिए सब जगह है वो आदमी। और क्या हो रहा है रे भाई, कहे कि सेटर आदमी है ललन बाबू, आप सुनबे किए ऑडियो में कि कितना बड़का सेटर है वो, सेटिंग किए हैं। कहे कि एसपी लिपि सिंह है, बिहार पुलिस तो है नहीं, किसी की बाप की पुलिस है, तो वही काम हो रहा है। लखीसराय में मर्डर हो गया पप्पू मेहता का, धानुक परिवार से आता है जो, वो मेरे विधायक जी का चुनाव में रविदास सम्मेलन किया था उसका, और अभी तक उसका कोई नहीं पकड़ा है, और 164 का बयान अभी तक दर्ज नहीं हो रहा है, इसलिए कि उसमें भोला सिंह और मुकेश सिंह का भी नाम पड़ेगा। अभी तक नहीं कुछ कर रहे विधायक जी के, कान भरे जा रहे हैं आपके खिलाफ। हाँ, कान तो भरे जा रहे हैं, वो तो बोलिए दिए। पूछताछ में दो वो इंस्पेक्टर थे, एगो बाढ़ है एगो मोकामा, अब बार बार जो है सो कि बोल रहे थे कि देखिए विधायक जी बंटुआ क्या कर रहा है, बंटुआ क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है बंटुआ, आपका देखिए अथी पर बैठ के सोफा पर गमछी रख के बयान दे रहा है, अनंत सिंह बनना चाह रहा है, आपको फंसा देगा, आपको ये करेगा, भड़का रहा था। सो उसको कहिए जल्दी से पीसी बंद करने के लिए, अथी नहीं करे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधायक जी बोले कि हमें कहा जानेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि नहीं करेगा, हमारा फोन है जेजा से, हम जाके कह दें कि फोन है हमारा, कर रहा है, जो आजीब होगा वो कर रहा है, सब सबूत के साथ कर रहे हैं हम, हमारे पास कौन सबूत नहीं है बताइए। और उधर जो है जो झूठो सचो अपना पेश कर रहा है, वो अपना ओल जोल कर रहा है, विधायक जी को रिमांड पर ले रहे हैं, विधायक जी पर कसा शिकंजा, ऐसे होता है, ऐसे होगा, जनता सब जान रहा है सब। नीलम देवी जी राज्यपाल से मिलना चाहती हैं पूरे मामले को लेकर, लेकिन अब तक समय नहीं दिया जा रहा है। जैसे हमको मीडिया बंधु के माध्यम से ही पता चला कि राज्यपाल महोदय अभी कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, बुखार से पीड़ित हैं। वहाँ के लोग हमें आश्वासन दिए थे कि आप जाइए, नंबर लिए हैं कि हम जैसे ही होगा तैसे ही हम फोन करेंगे, और जो है सो कि आपको मिलने का समय दिया जाए। ये थे बंटू सिंह, जो कि एक आज उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार के खिलाफ, कि उन्होंने अपराधियों के साथ साठगांठ की है, और पूरे चुनाव के कैंपेन के साथ एक शख्स जो अपराधी है उनके साथ वो घूम रहे थे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।